दूध को हमने तकरीबन आधे से आधे घंटे तक पका लिया था, तो इसका यह हाल हो चुका है। आधे घंटा हमने इसको पका लिया था, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है और ये इतना था, ये पक पक के इतना हो गया। अब हम लोग डालेंगे इसमें, तो ये हमने लिया था आम पानी और इसमें हमने मिला दिया फुल क्रीम पाउडर मिल्क। अब हम लोग इसको गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर डाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको चमचे की मदद से हिलाते जाएंगे। देखिए ये सीन बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है। तो इससे जो है ये हमारा गाढ़ा खुद ही हो जाएगा। ये होता है हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट, चाहे तो हम लोग कुछ भी गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया, एक कॉर्नफ्लोर हो गया, कस्टर्ड पाउडर, ये सारी जो है हमारी गाढ़े करने की चीज़ें होती हैं। हम लोग इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हम लोग इसे और पकाएंगे जब तक कि ये जो है ये खुश्क होने की कंडीशन में नहीं आ जाता है। देखिए अभी ये इस तरीके का है। जब भी हम लोग इसे और पकाएंगे तो पूरे खुश्क होने की कंडीशन में ये हो जाएगा, मतलब खुश्क हो जाएगा ये। तो आप भी बनाएं, हम भी बना रहे हैं, तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। हम लोग उसे इसी कंडीशन में फ्रीज कर देंगे तो ये आपकी खोए वाली आइसक्रीम बन जाएगी। तो अभी हम लोग रेगन आइसक्रीम नहीं बना रहे हैं। तो देखिए हमारी इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। अब हम लोग ये थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, फिर हम लोग इसमें एक कप शक्कर मिलाएंगे। देखिए अभी इसकी ये हालत हो रही है, फिर थोड़ा सा और ड्राई कर देंगे हम लोग इसे, फिर हम लोग इसमें एक कप शक्कर मिलाएंगे। तो ये देखिए इसकी ये कंडीशन है, ये कंसिस्टेंसी है इसकी। शक्कर हम लोग डालेंगे हस्बे जायका, हम लोग जो डाल रहे हैं वो हम लोग 1 से 1.5 कप डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए और इस बात ख़ास कर रखिए पीसी हुई शक्कर डालें, पीसी हुई शक्कर जो है इसमें आराम से मिक्स हो जाएगी। शक्कर आप इसी कंडीशन में डालेंगे, जब आप शक्कर डालेंगे थोड़ा पतला हो जाएगा। ये देखिए शक्कर डालने के बाद हमें इस तरह से मिक्स करना है इसको अच्छे से कि हमारी शक्कर जो है वो सारी मिक्स हो जाए। कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इसे मिक्स करने में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप लोग को इस रेसिपी में सबसे मज़े का सीन कौन सा लगा। देखिए थोड़ा सा हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और शक्कर को हम लोग ऐड करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द वीक का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर जिसका जवाब पहले सबसे पहले सबसे ज़्यादा सही हुआ हमारा, हम क्वेश्चन ऑफ द वीक का सवाल जवाब जो हुआ सबसे पहले इसने दिया और सब उसने ठीक दिया, तो हम लोग जो है आपका कमेंट पिन करेंगे। देख सकते हैं ऐसी क्या कंडीशन है। सबसे पहले सबसे जल्दी आप लोग सही जवाब देंगे तो हम लोग आपका कमेंट पिन करेंगे। और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो हम लोग आपसे हर हफ्ते अपनी हर वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द वीक से पूछा करेंगे और आप लोग जवाब भी दीजा करेगा। देखिए इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़े से इसे और खुश कर देंगे। इस हमने बना लिया था, हम लोग ठंडा करने के लिए हमने इसे ठंडा करने के लिए